में चले आओ। ये दोस्तों यह नजारा, यहाँ से चढ़ना है ऊपर। गोलू यहाँ पे डेमो दिखा रहा है और इस रास्ते से ऊपर जाना है। Grew up a little too fast. I miss the days that we chill and relax. Where did the time go? It all passed. Now I need to go back. I had no worries but always had plans. Only thing I did was take out the trash. Now it's खटनाला वाटरफॉल जो कि मोहला से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ये सिर्फ बारिश के दिनों पे ही वाटरफॉल बहता है। ऊपर पर भाई एक भाई है जो कि अपना बाइक धो रहा है। जबरदस्त। और ये पानी जहाँ से आ रहा है, जिस पहाड़ से, उस पहाड़ पे जाएंगे। ये है चितवा डोंगरी और वहाँ चलते हैं, आपको दिखा दें। घास आप मार्केट में देखे होंगे बिकता हुआ, मार्केट में देखोगे तो ऐसे सूखा सूखा रहेगा, फिर पानी में डालने के बाद ऐसा हो जाता है। ये वही घास है। ये एल्गी का एक सब टाइप है जो कि आराम से पानी में डालने के बाद, फिश टैंक में डालने के बाद बड़ा हो जाता है। इधर जाना है वाटरफॉल, चितवा डोंगरी वाटरफॉल। इधर जाना है चितवा डोंगरी का टॉप में, वो उस पहाड़ में जाएंगे, इस रास्ते से जाएंगे। और ऊपर एक खेत दिखाई देगा आपको, खेत है ऊपर। तो गोलू भाई कहाँ पहले देख नहीं पा रहा, इस साइड से आ सकते हैं। ज्यादा चढ़ाव है, ये बड़ा सा पत्थर है, ये देख सकते हैं। बाकी लोग आ रहे हैं और यहाँ से जो नजारा है वो अलग ही लेवल का है। वहां पे खेत दिखाई दे रहे हैं।
बाकी लोग इधर आ जाओ ना भाई, रुक गोली का इधर चल रहा है ऊपर, बाकी लोग इधर आ रहे हैं और मैं आ चुका हूँ, जल्दी आओ भाई। और उधर क्या नज़ारा, उससे पहले इन दोनों को देखो, इन दोनों लड़की को। कंधम पैर रख दे बेटे। अरे वो कैसे चढ़ा, बस आराम। कठिन चढ़ाई के बाद यहाँ भी विश्राम करता हुआ गोलू भाई, इधर एक बैठा एक इधर बैठा और हम इधर मस्ती कर रहे हैं। तो टिटू रायल पहली बार आया यहाँ पे चित्तौड़ डोंगरी पहाड़ पर और हमारा दूसरी बार, कैसा लग रहा है बताइए? बहुत अच्छा है, आने में थोड़ा कठिनाई है लेकिन सीन तो यहाँ से देख करके थकानी मिट गया। दीपराज कुछ बोलना चाहते हैं? अब ये दीपराज भाई हमारे मुंबई से हैं। जाना पहचाना जगह है ये, ज्यादा तो नहीं कहूँगा हाँ, लेकिन थोड़ा सा ट्रैकिंग है। गुलू भाई कुछ कहना चाहेंगे इस सीन के बारे में? जगह तो हम लोग पहले विजिट कर दिए थे, अभी जो आया था तो जबरदस्त, उससे पहले अच्छा अभी है, फॉगी फॉग दिख रहा है अभी ऊपर पूरा, बाकी सब बढ़िया। क्योंकि ये बारिश का समय है तो ग्रीनरी बढ़ गई है, इसलिए और भी ज्यादा खूबसूरती बढ़ गई है। नजारा लास्ट टाइम आपको दिखा देते हैं, अब इसके बाद जाएंगे हम नीचे और वाटरफॉल को दिखाएंगे और वहाँ हम नहाने वाले हैं, तो सीधा मिलते हैं नीचे। धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं हम वाटरफॉल के पास, और मेन वाटरफॉल यहाँ नीचे है लेकिन यहाँ पे भी एक वाटरफॉल बना हुआ है और ये है एक वाटरफॉल जबरदस्त। जब से आए हैं सुबह से तब से पानी पीने बहुत प्यास लग रहा है, इसीलिए नेचुरल वाला पानी पियेंगे यहाँ का, बहता हुआ पानी में कीटाणु नहीं होता तो ऐसा पी लेते हैं। हाथ बहुत गंदा है। अरे भाई भूख लगा है।
दोस्तों यहाँ पे जबरदस्त पानी को बीचों बीच पे हम वीडियो बना रहे हैं, देखिए। और गिर जाएगा मोबाइल तो मुश्किल हो जाएगा। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ, ये क्या है ये पानी में, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। हाँ मैं भी खुदा तो अरे तो दोस्तों देखो इधर हो रहा है नहाने वाला कार्यक्रम, यहाँ पे गोलू भाई और सभी लोग शैम्पू लगा के नहा रहे हैं और हम भी। कबाड़ तोड़ पानी गिर रहा है यार। फाइनली हम आ गए हैं जो डमरी वाटरफॉल से, इसको क्रॉस कर लिए, कपड़ा वपड़ा पहन लिए, वहां से हम लोग ऐसे आए थे। अब घर चलते हैं, ब्लर ब्लर आ रहा है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नया है वो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।